प्रत्याशी के साथ अपनों ने किया धोखा। मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक को लगा बड़ा झटका। मलिक से नाराज हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। मुजफ्फरनगर में पहले फेज की वोटिंग जारी है। इस बीच सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से उनके अपने ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यहां बीजेपी के खिलाफ होता हुआ ठाकुर समाज दिखता है, ऐसे में सपा को जीतने की उम्मीद बढ़ गई। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही उनसे नाराज है। दरअसल हरेंद्र मलिक ने चुनावी बूथ लगाने के लिए कार्यकर्ताओं को सामग्री दी, लेकिन उन लोगों ने सपा प्रत्याशी की चुनावी सामग्री को फेंक दिया। जिस व्यक्ति ने सपा प्रत्याशी की चुनावी सामग्री फेंकी है, बकायदा उसने इसका वीडियो भी बनाया। मतलब नाराजगी इतनी है कि उसे पूरी दुनिया, देश और मुजफ्फरनगर की जनता के आगे दिखाने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले गुरुवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक की गाड़ी सीज कर दी गई। पुलिस का कहना था कि प्रचार बंद होने के बाद भी वो वोट मांगने निकले थे। वही पंकज मलिक ने बताया कि वो शादी से लौट रहे थे। हालांकि सपा विधायक और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के बेटे पंकज मलिक के मुताबिक वो पीतावी थाना क्षेत्र के ग्राम धनसनी में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे और वापसी लौट रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी गाड़ी को सीज कर दिया। उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सभी गलत। वहीं अब सवाल है कि कार्यकर्ता के साथ ऐसे में बिना कार्यकर्ता के यहां से सपा प्रत्याशी के लिए किस तरीके का प्रचार हुआ होगा और कैसे हरेंद्र जीतेंगे, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि ठाकुर समाज ने सपा प्रत्याशी को वोट देने की कसम खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।